शादी समारोह में पहुंचे शिवपाल यादव जनपद के स्टेशन रोड स्थित पीपी गार्डन में एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे मंत्री शिवपाल सिंह यादव, जिनके साथ उनके कई सहयोगी इस कार्यक्रम में शामिल हुए तथा किसी भी शिवपाल सिंह यादव ने बताया कि यह बजट किसानों व गरीबों के लिए नहीं है बल्कि जनता को गुमराह करने का काम किया गया है। बताया कि पिछले बजट में सरकार ने क्या खर्च किया है, कुछ भी नहीं। बताया कि भाजपा सरकार में कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया गया है और देखा गया है कि कहीं भी कोई कार्य नहीं हो रहा है। पुलिस को मॉडर्न बनाने की बात को लेकर कहा कि लखनऊ के मामले को देखते हुए पुलिस कमिश्नर होने के बावजूद मर्डर व बलात्कार जैसे अपराधों पर कहीं कोई सुधार नहीं है, ना ही लॉ एंड ऑर्डर मान्य किया जा रहा है तथा उत्तर प्रदेश सरकार में भी लोग पूर्ण तरह से परेशान है। पार्टी मैनपुरी में युवा नेता आजम खां के शामिल होने से पार्टी में एक नया उत्साह देखने को मिल रहा है तथा बताया कि जनपद मैनपुरी से सांसद नेताजी मुलायम सिंह यादव हैं, जिनको सपोर्ट हमने भी किया है। बताया कि हम 2022 का समीकरण बनाएंगे लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की ही होगी। बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं इस बजट में, क्या देखिए इस बजट में किसानों के लिए गरीबों के लिए तो कुछ है ही नहीं। बाथरूम में बात है कि पिछला बजट कितना खर्च किया, कोई खर्च ही नहीं किया। तो ऐसे ही है, ये अगर इन्होंने कोई भी एक भी वादा पूरा नहीं किया और न कहीं काम हो रहा है, किसी रोड पर काम सुना, कोई नई रोड बन रही, कोई पुल बन रहा, कोई पुलिया बन रही। नेताजी पुलिस को मॉडर्न बनाने की बात की गई है इस बजट में, क्या कहना चाहेंगे इस पर? अब तुम लखनऊ की स्थिति तो देख ही रहे हो, पुलिस कमिश्नर बन गए वहाँ पर और नोएडा में और रोज हत्याएं हो रही, अपहरण हो रहे, इसी तरीके से पूरे प्रदेश में हो रहा। नेताजी देखिए इस सरकार का इकबाल नहीं, जिस सरकार का इकबाल नहीं होता है तो वो सरकार ठीक नहीं चलती। कोई हाल इस उत्तर प्रदेश में है, दूर पेट पे कोई पकड़ नहीं, मनमानी बेलगाम है, इसलिए न विकास का काम हो रहा है, न लाइन ऑर्डर ठीक है, बुरी तरह से ये उत्तर प्रदेश की सरकार खेल। नेताजी अभी मैनपुरी के युवा चेहरा आजम खान आपकी पार्टी में शामिल हुए हैं, आपने बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी है, उनके साथ साथ कई युवा भी आपकी पार्टी में शामिल हुए हैं, क्या इससे 2022 का समीकरण यहाँ मैनपुरी में चेंज होगा? देखिए यहाँ तो सांसद नेताजी हैं, नेताजी से मैंने भी सपोर्ट किया है, यहाँ तो मैंने भी सपोर्ट किया। अब ये तो देखिए अभी 2 साल हैं तो 22 तक तो अभी समय, हाँ अब 22 तक तो हम समीकरण बनाएंगे। इतना मैं आपसे कहना चाह रहे हैं कि 2022 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सरकार में रहे।